बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आसिफ और इल्मे जुफर के हिस्सा या आसार से एक वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जिस तरीके से दो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं, एक में रिज्क का अमल बनाने का तरीका और दूसरा बीमार की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अमल बनाने का तरीका आपकी खिदमत में पेश किया है, सेम उसी तरीके से इस वीडियो में एक अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर किसी भाई दोस्त को किसी जगह पे काम कर रहा है या किसी हाकम के नीचे काम कर रहा है, किसी अफसर के मातहत है, तो वहाँ पे अगर उसको उस हाकिम का खौफ है, डर है, ख़तरा है या बेइज्जती होने का ख़तरा है, या उसके अलावा आप जहाँ पे रह रहे हैं इज़्ज़त और मर्तबा पाना चाहते हैं, तो आप अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों से अमल तैयार कर सकते हैं अपने नाम के मुताबिक। यहाँ पे मैं मिसाल के साथ एक अमल तैयार करता हूँ और आप इसको समझ लें, उसके बाद आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने नाम के मुताबिक इस अमल को तैयार कर सकते हैं। अल्लाह पाक के नौ मुबारक नाम, या रहमान, या रहीम, या हकीम, या हफीज़, या हई, या कयूम, या फताह, या राफियो, या हादी, ये नौ नाम मैं यहाँ पे इनको दर्ज करता हूँ। अस्मा इलाया, या रहमान, या रहीम, या हकीम, या हफीज, या हई, या कयूम, या फताहो, या राफियो और या हादी। ये अल्लाह पाक के नौ मुबारक नाम हैं। अमल तैयार करने का तरीक़ाकार ये है कि अपने नाम के पहले हर्फ के मुताबिक अल्लाह पाक का मुबारक नाम लें और उसी हर्फ के मुताबिक अब्जद कमरी में जो मोकलात का नक्शा है, उससे अपने नाम के पहले हर्फ के मुताबिक मुवक्कल लें। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम तैयार करते हैं एक नाम है रहील, रे ए ये लाम, रहील। रहील के नाम का अमल तैयार करते हैं तो सरे हर्फ जो है वो है रे, और रे से राफे, इसमें इलाई, या राफे, और सरे हर्फ के मुताबिक यहाँ से मुअक्कल देखा तो अमवाकील, यहाँ पे रे का मुअक्कल जो है वो है ये अमवाकील, वकील। अब रहील के नाम का इसमें इलाही, या राफियो और मुअक्कल अम्बाकील। अब इनके आदाद रहील के मालूम किए, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखा है, आपने जब अमल तैयार करना है तो नाम वालदा का साथ लाजमी लिखना है, रहील। यहाँ पे रे के 200, हे के 8, ये के 10 और लाम के 30, तो अदाद 248 बन गए, 248। इसमें इलाही, या राफियों के अदाद निकाले, अब्जद कमरी से अदाद निकालने हैं, रे के 200, अलिफ का 1, फे के 80 और ऐन के 70, तो 351 हो गए। अम वकील मक्कल के अदाद निकाले,
अलिफ का एक, मीम के 40, वाव के 6, क्याफ के 20, ये के 10 और लाम के 30, 107। अब इन सब को जमा करना है कुल आदाद, दो सौ अड़तालीस जमा 107 जमा 351, तो कुल आदाद बन गए 706। अब इन आदाद का नक्श मरबा पुर करना है, खाना नंबर 11 से ये नक्श पुर करना शुरू करना है। यहाँ इस नक्श की चाल में लिखता हूँ और उसके बाद असल नक्श पुर करते हैं। ये नक्श मरबा की चाल है, ये 11वां खाना है, यहाँ से नक्श को पुर करना शुरू किया। अब कुल आदाद से नक्श मरबा पुर करने के लिए कुल आदाद से 30 नफ़ी किए, नफ़ी 30, 706 से नफ़ी 30 किए तो 676 बचे। 676 को 4 पर तकसीम किया तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया और हासिल किस्मत जो है वो 169। अब 169 को खाना नंबर 1 में रखना है और एक एक के अजाफे से नक्श को पुर कर लेना है। ये नक्श की चाल है, तो नक्श में पुर करते हैं 169। ये खाना नंबर 1 है, एक सौ उनहत्तर खाना नंबर 2 ये है, तो यहाँ पे लिखा 170। अब खाना नंबर 3 में 171, खाना नंबर 4 में 172, खाना नंबर 5 में 173। एक एक के अजाफे से ये नक्श पुर करते जाना है। खाना नंबर 6 यहाँ है, यहाँ पे 174, खाना नंबर 7 में 175, खाना नंबर 8 में 176, खाना नंबर 9 में 177, खाना नंबर 10 में 178, खाना नंबर 11 में 179, खाना नंबर 12 में 180, खाना नंबर 13 में 181, खाना नंबर 14 में 182, खाना नंबर 15 में 183 और खाना नंबर 16 में 184। ये हमारा नक्श मरबा पुर हो गया है, जो कि हमने रहील के नाम का ये अमल बनाया है, लेकिन अमर में जब तक नाम वालदा का शामिल नहीं होगा उस वक्त तक असरात नहीं होंगे। इसी तरीके की मदद से आप अपने नाम के या किसी दोस्त के नाम के आदात के मुताबिक अमल तैयार करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप नक्श मरबा पुर करें। नक्श को सफ़ेद कागज़ पे ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना है, ज़ाफ़रान की स्याही में अरके गुलाब को हल करें और अनार की या किसी और लकड़ी की कलम बनाकर पाक साफ दो नफल हाजत के पढ़ें और जिस इसमें इलाही का नक्श आप बनाएं उसको कम अज़ कम 125,000 मरतबा पढ़ें। उसके बाद जब भी आप किसी के सामने जाते हैं तो इस तावीज़ को, इस नक्श को अपने दाएं बाजू के साथ बांध लें। हर वक्त बांध सकते हैं तो हर वक्त बांध के रखें, अगर मखसूस जिस वक्त आप उस आदमी के पास जाना चाहते हैं जिससे आपको इज़्ज़त
चाहिए या वो आप उस पे गालिब रहें, तो उस वक्त आप दैने बाजू के साथ इसको बांध लें दुरूद पाक कम अज़ कम 7 मरतबा पढ़कर। ये अमल बहुत ही पावरफुल अमल है, अस्माए इलाही से तैयार करदा अमल। आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। ये नक्शा है मुअक्कलात का, जिस हर्फ का भी आप मालूम करना चाहें तो इस नक्शे से आप मुअक्कल मालूम कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके नाम या जिस नाम के लिए आप अमल तैयार कर रहे हैं उनके नाम के मुताबिक कोई नाम यहाँ पे सरे हर्फ में नहीं मिलता, तो इन 9 असमा के आदाद और 9 असमा के मुअक्कलात के आदाद सब जमा करके इसी तरीके के मुताबिक नक्शे मुरब्बा पुर करें और इस अमल से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को नेक जेज शरई मकासद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।